धरती पर भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर रुपए कमाने के लालच में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ताजा मामला सामने आया है पीलीभीत के पूरनपुर से। यहां डॉक्टरों और पैथोलॉजी लैबों की मिलीभगत से मरीजों की झूठी रिपोर्ट देकर मोटी रकम वसूली जा रही है। झूठी रिपोर्ट तैयार कर इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलना डॉक्टर्स की आदत बन चुकी है। जब मरीजों द्वारा पुलिस से इसकी शिकायत की जाती है तो जांच के नाम पर पता चलता है कि मामला सीएमओ तक सेट होता है, इसलिए कार्यवाही के नाम पर शिफर साबित होता है। उत्तर प्रदेश की पूरनपुर के निवासी जैनब और उनकी पत्नी ने डॉक्टर आकांक्षा के परामर्श पर सेठ अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था। वहां डॉक्टर एस सेठ ने महिला को झूठी रिपोर्ट और झूठा परामर्श देते हुए पेट में पल रहे बच्चे की धड़कन ही न होने की बात कही। साथ ही मां और बच्चे दोनों को ही जान का खतरा भी बताया। महिला और उसके पति को इतना गहरा सदमा लगा कि दोनों ने खाना पीना तक छोड़ दिया। उसमें बच्चा लाइव दिया गया, जिंदा है बच्चा, 13 हफ्ते की लाइव प्रेगनेंसी है, धड़कन उसमें दिखाई है। उन्होंने दूसरी जगह कराया है, उसमें भी धड़कन दिखाई है और 12 हफ्ते 4 दिन का बच्चा दिखाया है एक दिन के अंतर पे, और दोनों रिपोर्टें बिल्कुल समान हैं। उसमें कहीं भी ये नहीं दिखाया गया कि बच्चा मरा हुआ है, मृत है या खराब है। जब दूसरे दिन पति पत्नी ने शहर पीलीभीत में दूसरे डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो वहां भी डॉक्टर ने खतरा बताया। पर जब पति पत्नी ने दूसरे डॉक्टर को दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाकर रिपोर्ट बताई तो रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, क्योंकि रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल थी। वहीं डॉक्टर ने भी कोई भी खतरा न होने की बात कही। डॉक्टर नहीं लेके गया, लेके गया वहाँ से, उन्हें रिपोर्ट लिख जाँच लिख दी, बोले अल्ट्रासाउंड करवाओ। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाने सेठ गया, पहुँचा, उन्हें अल्ट्रासाउंड करके दिया मुझे। मैं वहाँ डॉक्टर के पास लेके पहुँचा, डॉक्टर ने ये बताया कि बच्चे की धड़कनें बंद हैं और मैं बच्चे को खतरा है, बच्चे की धड़कन नहीं चल रही है। तो सब लोग परेशान हो गए थे, बाहर फिर भी लेके सब तब वहाँ कराया। पीड़ित महिला के परिजनों ने झूठी रिपोर्ट देने के मामले में सेठ अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर एस सेठ के खिलाफ पूरनपुर कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही करने की मांग की है। बहरहाल देखना यह होगा कि ऐसे लैब जो फर्जी जांचों का कारोबार चलाते हैं उन पर कार्यवाही किस हद तक होगी, या मामला सिर्फ रुपयों में सिमट कर रह जाएगा। पीलीभीत से एनिवन न्यूज के लिए निजामुद्दीन राजन की रिपोर्ट।